Hi guys, this is Deep and आज मैं drive कर रहा हूँ 2021 Dodge Challenger GT All Wheel Drive V6 with 305 brake horsepower. Now let's just launch it. Dodge Challenger, a true big muscle car, and ये इतनी significant car है यहाँ पे. And I know this one especially is a V6 all-wheel drive. एकदम जो है DNA नहीं है muscle car का, क्योंकि इसमें not a big V8 engine and rear-wheel drive car, manual gearbox. But even then, ये जो है काफी significant car है यहाँ पे, especially Canada में. क्योंकि कनाडा का वेदर एंड देन बहुत ही पॉपुलर कार है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स में, न्यू इमिग्रेंट्स में. सो देयर इज मोर देन दैट इन द कार. तो इसलिए जो है फर्स्ट, अभी जैसे कि फर्स्ट चैलेंजर है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू, देन इसका जो है आई विल स्टॉप अराउंड एंड पूरा आपको इसका एक्सटीरियर दिखा दूंगा, इंटीरियर फीचर्स एंड पूरा इंटीरियर लेआउट एंड ऑल दैट स्टफ, एंड देन विल गो बैक ऑन अ ड्राइव. एंड देन जो है इसका इंजन हो गया, सारा जो है ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वो सारा अच्छे से डिस्कस करेंगे. एंड देन वीडियो का मेन पार्ट, क्योंकि इसमें जो मॉडल लाइनअप्स आते हैं वो इतने कन्फ्यूजिंग है, तो कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए आपको यहाँ आने के बाद, या आप ऑलरेडी हो या कार चूज करें तो कौन सा मॉडल आपने चूज करना चाहिए, वो सारा जो हम वीडियो के एकदम एंड में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो है इसका प्राइस. सो अभी ये जो करंट कार है विथ ऑल द ऑप्शन जो है कार में सारे है, मैं आपको पूरा इसका जो है विंडो स्टिकर तो शो कर ही दूंगा, बट ये डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस, आई थिंक 2 या 3 पैकेजेस है ये कार में जो आते हैं. सो जो टोटल प्राइस जो कार का है ये पर्टिकुलर मॉडल का जाता है अराउंड 50,000 कैनेडियन डॉलर्स. यस, सो दैट इज अ बिट प्राइसी कंसीडरिंग जो है आपको यही प्राइस में जो इसके ऊपर का मॉडल आता है वो है RT, जिससे आपको V8 स्टार्ट होता है. फुल हेमाई V8 नहीं है, बट जस्ट जो है आई थिंक 5.7 लीटर का जो इसका V8 इंजन आता है वो है, उसका जो मैनुअल वर्जन है वो ये कार के प्राइस में आता है. एंड देन जो चैलेंजर है एक्चुअल में, इवन दिस कार इज ऑलमोस्ट 13 ईयर्स ओल्ड नाउ. यस, ये कार जो है जो फर्स्ट आई थी 2008 में, जो करंट चैसी है वही प्लेटफॉर्म पे, वही चैसी पे आज भी ये कार आती है. सो दिस 13 ईयर ओल्ड कार, एंड ये बस जो है थर्ड जनरेशन है चैलेंजर का. फर्स्ट जनरेशन था तो आई थिंक 1970s में आया था, उससे ये लुक्स जो है काफी सिमिलर है, उसके वजह से ये जो कार काफी पॉपुलर है. एंड आज भी दिस कार इज नोन एज अ मॉडर्न क्लासिक. एंड बिफोर वी चेक आउट दिस बिग वॉयलेट पर्पल थिंग, को ऐसे और अगर वीडियोस देखने हैं, जैसे कि मैंने अभी जस्ट जो है न्यू जो लेटेस्ट कैडिलैक एस्केलेड है उसके ऊपर वीडियो बनाया, जो न्यू मर्सिडीज बेंज GLS 600 है उसके ऊपर वीडियो बनाया, किया टेल्यूराइड आ रही है, किया स्टिंगर GT, तो ये सब सारे है मेरे पास प्रेस कार्स होते हैं. तो ऐसे आपको अगर और वीडियोस देखने, सो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एंड आप जितना चैनल को सपोर्ट करोगे, जितना चैनल ग्रो होगा, उतना ही मैं आपके लिए और यूनिक कार्स ले आ पाऊंगा. जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक जो है GMC हमर आ रही है, उसका भी मुझे एक्सेस मिलने वाला है, एंड जो न्यू सिविक आ रही है. ऐसे ही जितना चैनल ग्रो होगा उतना और जो मैं है आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट ले आ पाऊंगा. सो मेक श्योर टू शो योर सपोर्ट टू द चैनल, एंड जो सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो लंबा देखना, हिटिंग दैट बेल आइकॉन, सब्सक्राइब बटन, वो सारा चीजें करना. एंड नाउ इनफ ऑफ दैट, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ दिस कार. के फ्रंट में फर्स्ट इसका लुक्स, जस्ट लुक एट दिस थिंग, इट्स अ बिग जाइगेंटिक पर्पल वॉयलेट, आप जो भी कलर बोलो, इट्स अ बिग थिंग. मैंने जैसे कहा, मुझे कार का कलर जो है बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली सन में जो है एकदम डिफरेंट शेड लगता है. अभी जैसे कि पूरा डार्क शेड लग रहा है, सन में जो है थोड़ा इसका जो शेड एकदम लाइट लगता है एंड एकदम पॉप करता है. एंड इसका जो फिनिश भी है ओवरऑल जो कलर का, यहाँ पे सन में जो पूरा इसका स्पार्कल्स जो है वो दिखता है, वो काफ़ी ही अच्छा लगता है. एंड अभी फर्स्ट जो है इसका एक साइड प्रोफाइल, क्योंकि वही जो है मेन शेप है कार का, पूरा इसका लॉन्ग बॉनेट एंड ये सकते हो, ये डोर भी है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डोर जो कोई टू डोर कार में है. एंड ओवरऑल
ओवरऑल आप शेप देख सकते हो, ये जो यहाँ से शेप जा रहा है पूरा, जो उसका क्वार्टर पैनल है, शोल्डर जो एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन है वहाँ पे, पूरा इसका जो रूफ़ है, बिग जो है इसका बूट का जो एरिया एकदम फ्लैट एंड लार्ज है। सो ओवरऑल जो शेप है एकदम डिस्टिंक्ट चैलेंजर, एकदम यूनिक जो है कार का एकदम आइडेंटिटी है। फ्रंट में स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अभी ये कार में जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअल में बैजिंग है वो पूरा हिडन लगता है, क्योंकि कार का जो ये पर्टिकुलर एंगल है वो एकदम ही ऐसा अंदर काफ़ी ही डिस्टिंक्ट, जो ओल्ड स्कूल पुराने मसल कार्स में होता था वैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीटी बैजिंग एंड चैलेंजर बैजिंग, तो ऐसा काइंड ऑफ हिडन ही है, ऑलमोस्ट ऐसा है कि डॉज ही बोलना चाहता है कि ये पार्ट को हाइड करना चाहता है कि हाँ एक V6 है। इट जस्ट मतलब बेसिकली ये कार का मेन वही है कि हाँ अभी आपके पास एक चैलेंजर है, बट अभी मेन थिंग इसका फ्रंट में भी है, सच अ बिग एंड लार्ज बॉनेट, एकदम वाइड फ्लैट है पूरा हुड स्कोप, काफ़ी ही अच्छा एंड डिफरेंट लुक है कार का। एंड अभी इसके जो लाइट्स है डिस्टिंग अगेन चैलेंजर है जो पुराने BMWs में होते थे वैसे लाइट्स है, बट आई थिंक दिस लुक्स रियली गुड। अभी हेलकैट में जो है उसमें इंजन को इतना जो है कूलिंग की ज़रूरत होती है, जो एक्चुअल में एक हेडलाइट है वो उसका एयर इनटेक होता है, बट इसमें जो है आपको स्टैंडर्ड जो है लाइट सेटअप आता है, बट इसमें डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो अभी जैसे कि मैंने ऑन रखे तो आप देख सकते हो दो वाइट रिंग है, बट जब भी आप नॉर्मली कार ड्राइव कर रहे होते हैं तभी वो येलो होता है, सो काइंड ऑफ एक दो कलर के जो है डे टाइम, बट एक्चुअल जो रनिंग लाइट है वो येलो ही, एम्बर जो बोलते हैं आप, वो एम्बर ही है इसके। एंड फ्रंट में और एक चीज़ जो मैं मुझसे नॉर्मली मिस हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि इंजन में दिखाओ, सो ये जो इसका स्कूप है वो आप अंदर से देख सकते हो, एक फंक्शनल वेंट है ऑफ कोर्स। सो अभी ये जो है इसका इंजन बे काफ़ी ज़्यादा और एक्स्ट्रा स्पेस है, क्योंकि यस इसमें जो है V8 इंजन आता है वो भी 6.7 लीटर तक के डिस्प्लेसमेंट का। तो उसके साथ एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये जो इसका कूलेंट है वो एग्जैक्ट सेम कलर, लाइक लिटरली जो है ऐसे लगता है फुल कलर मैच किया है, एग्जैक्ट सिमिलर कलर का है कार के बॉडी कलर का आप देख सकते हो। एंड देन और एक चीज़ जो है वो है इसके व्हील्स एंड जो पूरा स्टांस है कार का, ये इतना जो आप व्हील्स के बीच में का गैप देख सकते हो रियली ऑड, मतलब ये जो है काफ़ी राइड हाइट भी आप देख सकते हो, व्हील्स का गैप भी जो काफ़ी ऑड लगा, व्हील्स भी आप देख सकते हो। एक जो मेन रीज़न है इसमें छोटे व्हील्स आते हैं क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव GT मॉडल है, उसके वजह से इसमें जो है छोटे व्हील्स आते हैं। अभी ये जो करंटली ये जो व्हील्स है वो 20 इंच के रिम्स आते हैं, यस अभी ये 20 इंच के रिम्स जो है इज़ अ रिलेटिवली लार्ज साइज फॉर अ व्हील्स, बट वो भी आप देख सकते हो कार के लिए काफ़ी ही छोटे दिखते हैं, इसके व्हील आर्च में जो आते नहीं है उससे भी आपको एक कार का जो है साइज़ का अंदाज़ा आ सकता है। एंड अभी इसके रियर प्रोफाइल में आ जाए तो मेन थिंग इसके टेल लाइट्स, मुझे जो पर्सनली काफ़ी इसके जो है टेल लाइट्स अच्छे लगे, जो चार्जर आती है 2-डोर उसके मुझे टेल लाइट जो है आई थिंक डिसेंट, मुझे पर्सनली कभी इतने अच्छे नहीं लगे थे, बट आई रियली लाइक दोज टेल लाइट्स, मतलब कंसिडरिंग ये कार जो है 13 ईयर्स ओल्ड है। रियर में और एक चीज़ है जो एकदम डिसअपॉइंटेड हो सकती है, वो है इसके टायर, यस ये स्किनी टायर्स जो कि कार को बिल्कुल भी सूट नहीं करते, उसकी वजह से कार का जो स्टांस है वो काफ़ी ऑड दिख के आता है। ये आप एग्जॉस्ट देख सकते हो जो कि आई थिंक 2021 रियल है, क्योंकि एक्चुअल जो है सिर्फ हाउसिंग है, एक्चुअल एग्जॉस्ट पाइप जो है वो नीचे है। एंड इसका कैमरा भी आप देख सकते हो आफ्टर थॉट, इसका जो स्पॉइलर है ये जो कि एक ऑप्शन है उस पर ये जो है कैमरा रिवर्सिंग कैमरा आपका, जिसकी क्वालिटी आई थिंक मुझे ज़्यादा कमेंट नहीं करना, उसके ऊपर मैं अंदर से आपको शो कर दूंगा। तो इसका बूट ओपन करने का जो बटन है वो यहाँ पे, इससे बूट ओपन होता है, बस इतना ही होता है, इसके आगे आपको एफर्ट्स लगाने तो काइंड ऑफ टेल लाइट जो ऐसे स्प्लिट होते हैं इसके, एंड काफ़ी डिसेंट साइज आई थिंक दो जो है आपके लार्ज सूटकेस इसके अंदर आ जाएंगे, एंड बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। इसका जो नीचे आपको स्पेस आता है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, आपको पूरा बैटरी एंड ये टायर इन्फ्लेशन किट जो है ये सारा इसमें आता है। और एक चीज़ जो है जो GT मॉडल के साथ आता है जो इंडिकेट करता है ये ऑल व्हील ड्राइव है, वो है आप देख सकते हैं H4 या A4 जैसे भी है, ये एक जो है अभी इसमें वो बैजिंग भी जो है ब्लैक्ड आउट की गई है। एंड नाउ द मेन थिंग इसका इंटीरियर चेक करते हैं। तो अभी फर्स्ट थिंग जो है इसके इंटीरियर में मैं आपको पूरा जो है इसका ओवरऑल लेआउट दिखा देता हूँ, क्योंकि जो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए। सो चार्जर चैलेंजर जो है ओवरऑल इसका लेआउट सारा पूरा जो सेम ही आता है, आप जो है SRT लो हेलकैट लो, बस उसमें जो है आपको SRT आ जाता है। फर्स्ट थिंग जो है क्वालिटी, यस तो यूजली जो है अभी Stellantis ग्रुप के साथ जो क्वालिटी आता है वो हमेशा इसका हाईलाइट नहीं रहा है, बट इवन देन जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी सॉलिड है पूरा, आप देख सकते हो स्टिचिंग जो कि ये भी सारा ऑप्शन है, जो वहाँ पे सारा स्टिचिंग आ रहा है आपको, ये जो सारा स्टिचिंग आ रहा है वो भी एक ऑप्शन का जो है पैकेज का पार्ट है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक्स है, लोअर डाउन हार्ड प्लास्टिक्स है, बट ये जो है पूरा सॉफ्ट ही आता है। एंड देन दूसरा जो है इवन सीट्स का आप देख सकते हो पूरा अल्कंटारा है, पूरा जो क्वालिटी है लेदर मुझे पर्सनली जो है बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट जो है पीछे के साइड में भी सेम जो है सेम क्वालिटी आपको सीट्स का मिल जाता है।
कई कई मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जैसे कि ये पार्ट में जो काफ़ी अच्छी लगी, बट देन एंड ये पार्ट में जो है आप रबर देख सकते हैं काफ़ी, मतलब जो है बाद में किसी ने स्टिक किया गया ऐसा लग रहा है। ओवरऑल मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा है। तो इसका हेडलाइट्स का स्विच वगैरह है जो यहाँ पे आता है, अभी मैं जैसे कि ऑटो पे कर दूंगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई इसका टॉगल या नहीं है, बस एक ही साइड में। मैंने लिटरली अभी तक जो है फिगर आउट नहीं किया है कि इसको जो है, ओ अभी ये मैंने फर्स्ट टाइम फिगर आउट किया है कि इसका वॉशर कैसे यूज़ करते हैं अभी, क्योंकि मैंने पढ़ा पुश, क्योंकि मैंने रात में मैं ट्राई कर रहा था कैसे करने का, कि आप देखते हो यहाँ पे मिस्ट है। तो बेसिकली ये एक बार मारने के लिए ना सारे आपके ऑटो जो है इसमें आता है वाइपर, वो सारे सेटिंग्स यहाँ पे का अपर डिपर हेडलाइट का जो है वो भी, इंडिकेटर्स का वो भी सारा यही है। एंड बाकी सारे कैमरा सेटअप एंड कॉफी, एज आई सेड कि आई एम लिविंग विद दिस कार, में जो यूजुअली ये सारे कार्स होते हैं मेरे पास वीक के लिए होते हैं। इसका जो डोर हैंडल है वो नीचे आता है, तो काफ़ी टाइम जो कन्फ्यूजन हो, क्योंकि फर्स्ट जो आपका डोर हैंडल हाथ इधर ही जाता है, मैं भी फर्स्ट टाइम ओके देन इसका डोर हैंडल एक्चुअल में यहाँ पे नीचे है। सो अभी ये जो गेज क्लस्टर है, यूजुअल जो स्टीयरिंग व्हील है जैसे कि बाकी स्टेलेंटिस ग्रुप के कार्स में आता है, वैसे ही सिमिलर ये जो स्टेयरिंग व्हील आपको जो डुरोंगो में भी आता है एंड बाकी सारे क्राइसलर एंड डॉज के जो है कार्स में आता है। बस इसके जो ये डाइल्स है वो डिफरेंट है, वो स्पेसिफिक है चार्जर के लिए। एंड इसका जो सेंटर का है वो आप सारा यहाँ से जो है ये बटन से आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो, आपके क्रूज कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है कार में जिसका सेंसर आगे था, सो वो जो है सारे सेटिंग्स इस पर, लेन कीप या लेन सेंटरिंग ये कार में नहीं है। पैडल शिफ्ट्स आई थिंक ये पूरे प्लास्टिक के जो आते हैं वो हाफ वे ही है, पूरे नहीं है। जो मेन चैलेंजर के साथ जो फीचर्स आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सेम चार्जर में भी है सुपर ट्रैक पैक, यस। सो बेसिकली इसमें जो है आपको अगर लॉन्च कंट्रोल का भी जो फंक्शन है वो यहाँ पे लॉन्च कंट्रोल, जो कि प्रिटी यूजलेस ही कह सकते हो आप ये कार में, बट इवन देन ये जो है लॉन्च कंट्रोल के लिए आप RPM भी जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन अब जब ये एक्टिव लॉन्च कंट्रोल पर क्लिक करते हो देन यहाँ पे आपको आता है कि कार ड्राइव पे होनी चाहिए क्योंकि अभी कार पार्क में है। सो एनीवेज, सो ये जो सारा कंट्रोल है यहाँ पे है। देन आपके जो परफॉर्मेंस पेजेस है वो अगर आप ऐप्स में जाओ वो आप यहाँ पे भी ड्रैग कर सकते हो, ये भी सारा एडजस्ट कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस पेजेस जो है मुझे सबसे कार में जो है कूल फीचर लगा, लोड होने में थोड़ा टाइम चला जाता है, बट यहाँ पे आप जो है लैप टाइमर्स आपका जो है लॉन्च भी कर रहे हो तो 0 to 100, 0 to ये देख सकते हो आप जो पहले जो लास्ट एंड बेस्ट जो है लैप टाइम्स, आपके एक्सेलरेशन ब्रेकिंग आप इस पर सारा आता है, ये गेजेस है, ऑयल टेम्परेचर, देन मेन जो है जी फोर्स का, इंजन का टॉर्क का बताता है, डायनो पे आप जो रन कर रहे हो वो है, तो सारा पावर एंड टॉर्क जो है, अगर मैं एक्सीलेटर दूँ, अभी मैं डायनो पे रख रहा हूँ, मैं हल्का सा एक्सीलेटर दूँ अभी तो आप देख सकते हो कैसे ये होता है। यहाँ पे थोड़ा नेबरहुड है तो मैं ज़्यादा ज़ोर से एक्सेलरेट नहीं करूँगा। एंड देन बाकी मेन थिंग जो इसके क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, ये जो सारे आपको टच स्क्रीन में आते हैं तो कभी कभी ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आप आपके प्रेफरेंस से जो है एडजस्ट कर सकते हो। एंड इसमें एक थिंग जो है मुझे आपको शो करनी थी वो है इसके AC, एंड वो है AC फ्लो रिलेटेड। तो जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हो इधर आपको दिख रहा है क्लाइमेट ऑफ, तो अभी ये ऑफ है एंड मैंने इसको अभी ऑन किया, देखो अब सीधा 3rd फ्लोर पे आ गया। तो काफ़ी टाइम होता है कि आपको जस्ट AC ऑन कर आता है अचानक आपको ठंडी लगती है, समझे कि वो 3rd फ्लोर पे है। एंड फ्यूल इकोनॉमी वाइज भी थोड़ा डिफरेंस डेफिनेटली लाता ही है। अभी जैसे कि मैंने ये देखो अभी 3rd सेटिंग पे है, मैंने इसको ऑफ किया एंड देन वापस ऑन किया, तो आप देखते हो 4th सेटिंग पे चला गया, ऑफ किया, ऑन किया, 5th सेटिंग पे चला गया। सो ये काफ़ी चीज़ जो है मुझे डिफरेंट लगी, आई थिंक मतलब पता नहीं क्यों है ऐसे, एनीवेज। एंड यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मोड है, सो बेसिकली ये स्पोर्ट्स ट्रैक्शन पे जाता है। कार जो है अभी करंटली रियर व्हील ड्राइव में है तो उसके ऊपर जो है मेरा कंट्रोल नहीं है कि कार जो है कौन से जो है रियर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव में है। कि अगर आप जो है एडजस्ट कर सकते हो जैसे कि BMW के M कार्स में होता है कि आपको रियर व्हील ड्राइव चाहिए या ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, तो काफ़ी फन होता है क्योंकि डोनट्स के लिए, बर्नआउट्स के लिए इट्स स्टिल, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अंटिल आप सेफ एनवायरमेंट में हो, बट स्टिल ये जो है कैरेक्टर आता है मसल कार के साथ वो आप एक एंजॉय कर सकते थे। जो है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन अगर आप पूरा जो है लॉन्ग प्रेस करते हो तो पूरा ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ऑफ हो जाता है, अगर आप बस एक सिंगल थोड़ा टाइम के लिए करते हो तो स्पोर्ट्स ट्रैक्शन में चला जाता है जैसे कि अभी यहाँ शो कर रहा है। एंड अगर मैं इसको पूरा अगर लॉन्ग प्रेस करूँ तो यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन आएगा कि ये ट्रैक्शन कंट्रोल कम्प्लीटली, ये देखो ऐसा लंबे बीप के साथ आपको आता है कि पूरा ऑफ हो चुका है। पूरा ऑफ होने के बाद भी कार जो है वो ऑल व्हील ड्राइव में रहती है तो इट्स काइंड ऑफ मतलब इतना फन नहीं है वो। सो मैं जो है बेसिकली जैसे है वैसे ही उसको छोड़ देता हूँ। अगर येस यू कैन गेट द टेल आउट, क्योंकि जो है इसकी ऑल व्हील ड्राइव की जो है वो 30% पावर ही वेन नीडेड गोज टू द फ्रंट व्हील ड्राइव। सो इन अ वे इट्स फन, बट जैसे कि रियर व्हील ड्राइव ट्रेडिशनल जो है इसके V8 वर्जन आते हैं उतना ये कार फन नहीं है।
लास्टली इसके जो रियर सीट में स्पेस है, इनफैक्ट जस्ट अभी आपको एक बेटर आइडिया हो, मैं कार के रियर सीट में बैठा हूँ, ये जो ड्राइविंग सीट है अकॉर्डिंग टू मेरे पोजीशन मैंने सेट किया वो थोड़ी सी पीछे है, बट ये जो आप देख सकते हो सीट थोड़ी आगे है, बट इवन देन मैं एटलीस्ट पीछे बैठ पा रहा हूँ, लोअर बैक सपोर्ट वगैरह अच्छा है, एक प्रॉपर सीट है पीछे मस्टैंग में जैसे आपको आती है वैसे नहीं है, इट्स डेफिनेटली मच बेटर देन दैट। यहाँ पे एटलीस्ट मुझे है जो है मेरी हाइट जो है 5'9" है एंड आई स्टिल हैव अ बिट ऑफ स्पेस, मतलब आगे के पैसेंजर जो है अगर सीट एडजस्ट करके बैठते हैं तो आई थिंक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए 4 पीपल आर गुड इनफ इन दिस कार, विच इज़ रियली अ गुड प्लस पॉइंट फॉर दिस कार। मोस्ट ऑफ द मेन थिंग्स जो है मैंने कवर कर लिया, जैसे कि मैंने कहा आगे जाके भी बहुत सारे चैलेंजर्स आएंगे, स्कैट पैक आएगी, तो ये सारे कार्स आने ही वाले, सो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड नाउ लेट्स गेट बैक ड्राइविंग अगेन एंड इसका जो सारा इंजन रिलेटेड एंड देन मेन टॉपिक जो है कौन सा मॉडल चूज़ करना चाहिए चैलेंजर में वो सारा हम डिस्कस करते हैं। एंड नाउ ड्राइविंग बैक अगेन, सो अभी फर्स्ट जो है स्ट्रेट अवे इसका इंजन, सो अभी इसके इंजन स्पेसिफिकेशन जो है मैंने जैसे कि वीडियो के इंट्रो में कहा था 3.6 लीटर का V6 पेंटास्टार इंजन विच प्रोड्यूसेस 305 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 268 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क्स। तो अभी बेसिकली ये जो इंजन है सेम जो क्राइसलर की जो है ग्रैंड कैरेवन आती है उसमें जो है मिनी वैन जो है उसमें आता है, क्राइसलर की पैसिफिका जो मिनी वैन है उसमें आता है, थोड़े बहुत SUVs में ये सेम इंजन आता है, सो इट्स काइंड ऑफ मे बी थोड़े लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बट अगेन जो इवन दैन जो पावर फिगर्स है 305 ब्रेक हॉर्स पावर आई थिंक इट्स डिसेंट, बट ये जो कार जो है काफ़ी बड़ी है। एंड नाउ लेट्स डू द फन पार्ट, लेट्स जस्ट लॉन्च इट। अभी जो इंट्रो में था वो लॉन्च कंट्रोल के साथ था, दिस इज विदाउट लॉन्च कंट्रोल, सो लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर। Still fun. It definitely needs more power. एक चीज मैंने नोटिस की जो आई थिंक लॉन्च कंट्रोल के साथ नहीं हुई थी वो थी इसकी ये जो स्टैंडिंग बर्नआउट भी कर रही थी, बट इसका मेन थिंग जो मैं को यही बोलना चाहता हूँ जो इनिशियल है फर्स्ट गियर, क्योंकि कार में टॉर्क जो है वो भी अच्छा खासा है, सो इनिशियल गेट अवे जो है लॉन्च करके ऑल व्हील ड्राइव है वो अच्छा होता है, थर्ड गियर के बाद जो इसका इन गियर एक्सेलरेशन है तब जाके आप इसका जो वेट है एंड जो अंडर पावर्ड है इंजन वो फील होता है। और वापस सेकेंड गियर पे 20 के स्पीड पे शिफ्ट भी जो है ऑफकोर्स इसमें गियर बॉक्स है, इसमें जो है टॉक कन्वर्टर जो गियर बॉक्स आता है आई थिंक 8 स्पीड का जो है इसका टॉक कन्वर्टर गियर बॉक्स है, जो कि इनिशियल वे में आपका भी सडनली जो नॉर्मल ड्राइविंग मोड्स में जो होते हैं आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हो सडन एक्सीलरेट कर रहे हो तभी कभी कभी थोड़ा जर्क भी करता है। एंड आफ्टर दैट एक्सीलरेशन इसकी हैंडलिंग, सो इसमें आता है सॉफ्ट सेटअप जो कि मैं और डिस्कस करेंगे, बट अभी जैसे कि टर्न्स आ रहा है देयर इज अ सिग्निफिकेंट बॉडी रोल इन दिस कार, बट एक फ्रंट एंड जो है एकदम ऊपर जाता है एंड देन अभी जैसे कि मैं पूरा शार्प टर्न मार रहा हूँ इट्स एक्चुअली प्रिटी गुड। मुझे लगा था सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप है उसकी वजह से काफ़ी बॉडी रोल होगा, बट आई एम वेरी सरप्राइज जो हाउ वेल दिस कार हैंडल, जो इतनी बड़ी कार है ये उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा इसका हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ओवरऑल जो स्पेस है पूरा लॉन्ग बोनेट शॉर्ट विंडोज पूरा शॉर्ट जो है इसका विंड स्क्रीन है, पूरा जो है ड्राइविंग फील है कार का एकदम यूनिक है एंड इट्स अ ट्रू मसल का। बेसिकली मेरे एक्सपेक्टेशन जो थे ये कार से वो कम थे, उसके वजह से मैं जो है काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ इससे। एंड अभी इसके सस्पेंशन भी है जैसे कि करेक्ट टाइम है सस्पेंशन के बारे में, क्योंकि आई एम जस्ट अप्रोचिंग ट्रेन ट्रैक्स एंड ये काफ़ी बम्पी है इसलिए मैं थोड़ा जो है कार स्लो भी कर रहा हूँ। एंड अभी आप जो ये बम्प आता है कार में ये आप देख सकते हो, थोड़ा आपका जो चेस्ट जो है बाउंसी होगा, इट्स अ बिट बम्पी। पॉटल जो एकदम बड़े पॉटल जो है वो थडिंग नॉइस करता है, बट ऐसा बिल्कुल भी जैसे स्पोर्ट्स कार में राइड होता है आपका मस्टैंग हो गया मैजडा मियाटा हो गया स्टिंगर हो गया वैसे ये कार में जो है स्टिफ राइड नहीं है, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल। एंड में उसका वही है एकदम जो है GT कार है वो इसका नाम है ग्रैंड टूरर। एक्सेलरेशन जो है हाई स्पीड एक्सेलरेशन ओवरटेक्स करना है तब ये कार जो है काफ़ी ही अंडर पावर फील हो जाता है आपको। तो वही पॉइंट जो आता है इसका नेक्स्ट मॉडल वो है RT, सो उसमें जो आपको V8 इंजन आ जाता है आई थिंक वो 400 ब्रेक हॉर्स पावर अराउंड है। मैं जो पर्सनली रेकमेंड करूंगा अगर आपका जो है बजट एकदम टाइट हो, अगर वैसा नहीं है तो आई थिंक SXT जो है आई थिंक इट्स द लीस्ट डिजायरेबल वेरियंट है इसमें, क्योंकि वो आता है V6 एंड ऊपर से रियर व्हील ड्राइव, तो वो जो मसल कार में जो है इट्स रियली नॉट, मतलब पूरा सेंस ही नहीं बनता वो इंजन का, क्योंकि अगर आप V6 ले रहे हो तो आई थिंक जो है RT जो क्लियर आपका V8 आता है मैनुअल जो कि ये कार के प्राइस में ही आता है, सो आई थिंक दैट मेक्स मोस्ट सेंस कि V8 में जो है आप एंड में एग्जॉस्ट वगैरह डाल सकते हो तो काफ़ी ही जो है कार एकदम लाउड हो जाता है, मसल कार का जो है वाइब पूरा वो एक आपको पूरा एक पैकेज मिल जाएगा। समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे तो एक काइंड ऑफ एक बजट भी एक माइंड में होता है, तो उसको कंसिडर करके आई थिंक कि आप इधर जो है पूरा स्कैट पैक जाओ
या तो GT ऑल व्हील ड्राइव, RT जो अगर आपको सच्ची में V8 चाहिए ही एंड आपके ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे, जो सबको लगता है कि वो माइकल शूमाकर ही है, बट इवन देन जो कंसिडर, क्योंकि कनाडा का वेदर भी एक बड़ा फैक्टर है एंड मोस्टली जो है यहाँ पे दो कार्स नहीं रखते लोग, अगर कोई स्टूडेंट हो या कोई न्यू इमिग्रेंट हो यहाँ पे, बट मोस्ट ऑफ जो है जो रेगुलर बायर्स के लिए जो है आई थिंक ये जो GT ऑल व्हील ड्राइव है ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, एंड इनफैक्ट यही मेन थिंग है कि आपको ऑप्शन अवेलेबल है, सो दिस इज वेयर दिस वेरियंट रियली मेक्स सेंस। तो मेरे हिसाब से तो वही है, इधर गो स्ट्रेट अवे हेलकैट, और जो है हेलकैट जो है एकदम ही ज़्यादा पावरफुल है, पूरा व्हील स्पिन होता है, सो इसलिए मैं जो पर्सनली रेकमेंड, अगर मुझे लेना हो तो डेफिनेटली आई विल गो विद द हेलकैट, बट अगर एक सेंसिबली अगर चॉइस करना है तो आई थिंक इट्स द स्कैट पैक वाइड बॉडी और द GT ऑल व्हील ड्राइव। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके लिए जो बेस्ट सुटेबल है, मैंने जैसे कहा आपको V8 मैनुअल भी ये प्राइस में आ जाता है, अगर आपको जस्ट वो कैरेक्टर ही चाहिए, कार के साथ V8 इंजन चाहिए ही चाहिए आपको, आई थिंक देन द RT इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन। ये था मेरे हिसाब से पूरा फ्रॉम माई साइड ऑल द थिंग्स अबाउट द डॉज चैलेंजर। मैंने जो है मेन थिंग जो है डॉज चैलेंजर रिलेटेड जो सारा स्टफ है वो इसमें कवर करने का जो है ट्राई किया, क्योंकि इसके बाद जब भी मेरे पास जो मेन कार आएगी, जो स्कैट पैक हो या हेलकैट हो या जो भी आएगी, तो मेन जो है हम उसका पूरा परफॉर्मेंस एंड उसका जरा फन पार्ट है उस पर फोकस कर सके। सो नाउ विद दैट आई थिंक दैट्स इट इन दिस वन, कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड नाउ सी यू इन नेक्स्ट वन।